करें स्टार्ट। प्यारे बच्चों पहले बोलो ओम। ओम का क्या अर्थ है पता है आपको? ओम का क्या अर्थ है? ओम बोलते हैं ना, ओम या एक ओंकार बोलते हैं ना। ओम सबसे बड़ा नाम है, परमात्मा का नाम है, ब्रह्म अक्षर है, एक अक्षर का ब्रह्म मंत्र है। ओम वो ओ वही जो सबसे ऊपर है, ना उसके बराबर है कोई ना उससे ऊपर है। भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ नाम है उसको कहते हैं ओम। कोई भी काम शुरू करो ना, पढ़ना शुरू करते हो, खाना शुरू करते हो, खेलना शुरू करते हो, पेपर होता है आपका, एग्ज़ाम होता है ना, वहाँ भी पहले ओम का ध्यान करो, पेपर पढ़ो। क्वेश्चन जब और करना होता है, कई बार अड़चन भी आ जाती है, कुछ याद नहीं आता है, ओम का ध्यान करो सच्चे मन से, सब भूला बिसरा सब याद आ जाता है और बहुत अच्छा लिखा जाता है। हम जब पढ़ते थे ना, फिर जब पेपर मिलते थे, पर्चे मिलते हैं ना बाद में नंबर लग के, फिर हम उनको पढ़ते थे, अपनी गलतियां भी पता लगती थी और पढ़ के देखते थे, हैरान होते थे, भाई कमाल है ये मैंने लिखा है। कोई कोई ऐसे लिखना होता है, कहते हैं नहीं हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं, निबंध, तो फिर खुद हैरान होते थे भी हाँ। तो ओम की सारी ताकत होती है, उससे बुद्धि हमारी जड़ी है ना संतुलित रहती है। तकड़ी देखिए ना, तकड़ी जैसे सौदा लेते हो है ना, अब वो एक तरफ बाट होता है बट्टा, दूसरी तरफ कोई सौदा होता है जो तोलते हो चीज़, फिर कैसे पता लगता है कि ये बराबर है ठीक है? वो ऊपर डंडी होती है ना, डंडी वो सीधी होती है, उसमें जो एक सुई सी लगी होती है वो ऊपर वाली सुई की सेध में होती है। आजकल तो वो दूसरे आ गए, कंप्यूटर वाले तराजू आ गए हैं, तो उससे पता लगता है तकड़ी का ये डंडी सीधी है, और उसका जो ऊपर एक सुई होती है डंडी सी हैंडल में, एक नीचे से होती है, वो सेध में हो तो चीज़ ठीक है। वो सेध किसकी है? अगर वो आगे है तो सौदा ज़्यादा जा रहा है, पीछे है बट्टे की तरफ तो इसका मतलब है कम जा रहा है। तो हमने सच्चा सौदा तो वही है जो सही दें हम। इसी तरह हमारा जो मन है, मन मस्तिष्क, इसकी डंडी भी सीधी रहनी चाहिए। आदमी जो है इंसान, वो केवल शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, इसके अंदर, अब देखो मैं बोल रहा हूँ, कौन बुलवा रहा है, कौन बुलवा रहा है? कोई शक्ति है ना जो बुलवा रही है, हाँ? बताओ किसी को पता है? हाँ, बोलते हैं ना, हाँ, खड़ा। अब वो कौन बुलवा रहा है? परमात्मा, ठीक है, भगवान की, भगवान चेतना दे रहा है हमें, वो हमें बोलने की शक्ति दे रहा है। अब देखो इंसान मर जाता है, कहते हैं जी डॉक्टर कहते हैं मर गया जी, पड़ा तो वैसे होता है, वही आंखें वही पैर वही सिर वही सब चीज़, कपड़े भी पहन रखे होते हैं, पड़ा है, कहते हैं जी मर गया, उसमें जो संचेतन तत्व था वो निकल गया, ठीक है नहीं? तो वो परम तत्व जो होता है वो हमें जीवन देता है। तो हमारा शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये हमारा जो व्यक्तित्व है केवल शरीर नहीं है, इसमें आत्म तत्व भी है। ये जो बोल रहा है बीच में, ये जो बोल रही है, ये आत्म तत्व है। आप सब में आत्म होता है, आत्मा होती है। गीता में कहा गया है ना भाई, आत्मा कभी नहीं मरती,
दूसरा अध्याय गीता का ज्ञान योग है, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन डरा बैठा है ना कि मैं नहीं मारूंगा, पढ़ सुनिए महाभारत की कथा सुनिए, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कृष्ण जी, पढ़ा है गीता का उपदेश है, आया करो, मैंने एक पत्र भी दिया है मैडम को, 16 दिसंबर को गीता चिंतन मिशन की तरफ से गीता भवन श्याम नगर में वार्षिक उत्सव है हमारा, वहाँ विद्यार्थियों ने पेपर दिए थे, तकरीबन 200 बच्चों ने गीता पर प्रश्न थे, उस पर उनको जो पास हुए हैं सबको सर्टिफिकेट भी देंगे, इनाम भी देंगे, लंगर भी होगा, आप सबको भी निमंत्रण दे चला हूँ मैं, जो आ सकते हैं आए वहाँ, वो 10 से 12 तक है, लंगर भी होगा, आप देखो फिर कैसे कैसे वहाँ बोलने वाले हैं, भजन कीर्तन होगा, गीता पर उपदेश होगा, जिन्होंने पेपर दिया था बच्चों का उसको टेस्ट भी होगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इसके अंदर आत्मा है, वो आत्मा कभी नहीं मरती, वो इस शरीर को छोड़कर चली जाती, जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, इसी तरह ये शरीर जब जब पुराना हो जाता है इसको आत्मा छोड़ के चली जाती। तो भगवान कहते हैं आत्मा ना जन्मे कभी देहा जन्म पाए, देहा कहते हैं शरीर को, आत्मा ना जन्मे कभी देहा जन्म पाए, आत्मा ना मरती कभी देहा मर जाए, जन्म जो ले मर जाए, जन्म फिर हो ले, फिर दोबारा जन्म हो जाता है, तो हमारी आत्मा किसी और शरीर में चली जाती है, कर्मों के अनुसार अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगला जन्म और अच्छा होगा। अब कर्म, कोई दुकानदार है, कोई किसान है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, आप क्या हो बोलो, विद्यार्थी हो, कौन हो, विद्यार्थी, स्टूडेंट हो ना, आपका क्या काम है, अध्यापक का काम, अध्यापक का पढ़ाना, किसान का खेती करना, दुकानदार का व्यापार करना, फौजी का सेना में युद्ध करना देश के बचाने के लिए, जैसे अर्जुन जो था वो योद्धा था, डर के बैठ गया था, मैं नहीं लड़ता ये रिश्तेदारों को मारूं मैं, कौरव पांडव का युद्ध था ना महाभारत का, तो हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का क्या काम होता है, पढ़ना, अच्छा पढ़ना, पठन पाठन, अध्यापक का पढ़ाना, बच्चों का पढ़ना, अच्छी पढ़ाई तब करोगे जब ध्यान दोगे, जितना ध्यान दोगे उतनी आपकी रुचि बढ़ेगी पढ़ाई में, दिलचस्पी बढ़ेगी, और जितनी दिलचस्पी बढ़ेगी उतना ध्यान लगेगा, ठीक है नहीं, तो ध्यान दिया करो। अब कई बच्चे मेरे को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कई इधर उधर देख रहे हैं, कोई किसी की चीज़ हिला रहा है, कोई खुद हिल रहा है, वो देखो कहीं इशारे कर रहा है कि पीछे छोटू छोटू था, ये ध्यान नहीं है, ध्यान वो जो अगर कोई, मुझे पता नहीं लगता था, मैं बताऊं आपको अपने बारे में, हैं, मैं पढ़ाई कर रहा होता था, मेरे से घर वालों ने पूछना क्यों जी दूध पियोगे, हाँ जी रख गए, अच्छा जी रख दिया है, अच्छा जी ठीक है, काफ़ी टाइम बीत गया, क्यों जी दूध पी लिया, हाँ जी, उन्होंने जब देखा गिलास तो दूध वैसे पड़ा है, पिया तो है नहीं, अच्छा नहीं पिया, मेरा ध्यान उधर पढ़ने में होता था। अब कई बच्चे बैठे क्लास में होते हैं, घर में पराठों की तरफ ध्यान होता, पढ़ो तो खूब पढ़ो, खेलने के टाइम खूब खेलो, ठीक है नहीं, सोने के टाइम गहरी नींद सो, ये नहीं कि टीवी भी चल रहा है सो भी रहे हैं, ये नहीं, गप्पे वप्पे भी चल, एक काम एट ए टाइम, वो बढ़िया होता है, वाट एवर यू डू, डू विद योर माइट, थिंग्स डन बाई हाव्स आर नेवर डन राइट, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, कहते हैं नहीं, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे, खुश रहना है
प्रसन्नचित रहना है तो एट ए टाइम एक काम करो, वट एवर यू डू डू विद योर माइट, पूरी ताकत से करो जो भी करते हो। थिंग्स डन बाई हाफ आर नेवर डन राइट, और आधे अधूरे काम जो हैं किए हुए वो ठीक नहीं होते। 100/100 नंबर लो, पेपर होता है 100 नंबर का, हैं किसी के 50 आ जाते हैं खुश हो जाते हैं, पास हो गए 50 आ गए। अरे भाई आपने किसी से 100 रुपया लेना हो आप उससे 50 लोगे? आप कहोगे मेरे 50 रह गए आपके पास दो, लोगे ना? भूल नहीं जाना चाहिए और निराश भी नहीं होना चाहिए। जो मन की तकड़ी है तराजू, इसकी डंडी को सीधा रखना। एक मेरा दोस्त हमेशा फर्स्ट आता था स्कूल से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज तक, फिर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में चंडीगढ़ में हेड रहे मैकेनिकल के, फिर वो अमेरिका चले गए, उनके बच्चे भी इंजीनियर हैं। एक बार वो यहीं हमारे पड़ोस में रहते थे कपूर साहब, मैंने उनसे पूछा भाई आपके हर क्लास में हर सब्जेक्ट में पूरे नंबर कैसे आते हैं? वो कहने लगे, कहते अगर मेरे 100 में से 97 भी आ जाए ना, 100 में से 97 मुझे कोई खुशी नहीं होती है। मैं सोचता हूँ कि मेरे 3 किस बात के कट गए।